अपने ओप्पो मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करें तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर ये ओप्पो F19 Pro Plus मोबाइल, और इसमें हम देखेंगे कि कॉल रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं आप अपने मोबाइल में। तो इसके लिए हम सेटिंग्स में देखते हैं कि क्या इसके लिए कोई सेटिंग्स है अलग से या फिर कोई दूसरा ऑप्शन हमें देखना होगा। तो यहाँ से सेटिंग्स में अगर देखें तो इसके लिए हम अगर सर्च करें तो कॉल रिकॉर्डिंग से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन या कॉल से रिलेटेड कौन कौन सी सेटिंग्स आती है, तो ये सारी सेटिंग्स हमारे सामने आती है जो है कॉल से रिलेटेड। लेकिन इसमें हमें कॉल रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं मिलती है। तो यहाँ पर सेटिंग्स में इसके लिए ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन कहाँ मिलेगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ से हमें फिर जाना है यहाँ पर फ़ोन में, और इसमें अगर हम देखें सेटिंग्स में तो क्या यहाँ पर है कोई कॉल रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स। यहाँ पर वॉइस में ब्लॉक नंबर, कॉलिंग अकाउंट्स, एडवांस में नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन इस तरीके से नहीं है। लेकिन तो यहाँ ऑप्शन कहाँ मिलेगा, कॉल लगा कर देखते हैं। डायलर में हमने कॉल लगाया, जैसे कि ये नंबर हमने लिया और इस पर हमने कॉल लगाया, तो क्या ऑप्शंस आते हैं हमारे सामने। सिम वन, अब देखिए यहाँ पर क्या हमें कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल रहा है। यस, नेक्स्ट स्क्रीन पर हमें रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल रहा है, और यहाँ से हमने कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट की और ये रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो आपके पास ये मैसेज भी आ सकता है कि ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है ये जब आप ऑन करेंगे तो सामने वाले को इसके लिए सुनाई देगा कि आपने कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, तो वो मैसेज भी आ सकता है। शुरुआत में आता है, फिर वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ से आप ये कॉल फिनिश किया, और यहाँ से हम वापस इसकी हिस्ट्री में जाकर कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।